नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज का टॉपिक है टीम इंडिया टूर ऑफ जिम्बाब्वे 30-20 इंटरनेशनल, वेयर इंडिया बीट जिम्बाब्वे बाय 23 रन। इसमें क्या है, एक्चुअली इंडिया पहला जो फर्स्ट T20 हार गया था, तो सब पाकिस्तानी लोग ज़्यादा बोल रहा था इंडिया का ऐसा है वैसा है, शुभम गिल नहीं चल रहा है, गिल नहीं चल रहा है। लेकिन शुभम गिल भी अपनी फॉर्म में रिटर्न हो गए, 68 रन के शानदार 68 रन। फिर ऋतुराज गायकवाड़ भी एकदम जमे हुए मजे हुए खिलाड़ी की तरह खेले हैं ऋतुराज गायकवाड़, बाकी का भी कंट्रीब्यूशन रहा। संजू सैमसन है, उनको ज़्यादा खेलने का मिला नहीं, 7 या 8 गेंद खेले हैं 10-12 रन के। तो ओवरऑल देखा जाए टीम एफर्ट था, मस्त था, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर आ जाता है जिम्बाब्वे का पारी, इंडिया फर्स्ट इनिंग्स में 184 किया, 184 किया, तो उसमें जिम्बाब्वे का पारी आ गया। जिम्बाब्वे का पारी में भी वैसे ही है, वही मिनोज है, मिनोज की तरह ही खेले हैं। उनका 2-1, 2-3, 70 में 5-6 खिलाड़ी आउट हो गए, कहाँ से 180 कर पाएगा। फिर भी उन्होंने अच्छा खेला, लास्टली बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग किया, वो 156 तक किया है, तो कुल मिला के अच्छा ही बैटिंग किया है जिम्बाब्वे। देखा जाए ये वही जिम्बाब्वे जो पाकिस्तान को 4-1 से हराया था हराने में, और हराने का पिच इतना ईजी नहीं है, और वर्ल्ड चैम्पियन टीम से 3 खिलाड़ी उधर जाएंगे, जयसवाल, शुभम दुबे और संजू सैमसन, तीनों ने वो ज्वाइन कर लिया, तो इसके बाद टीम इंडिया का स्ट्रेंथ भी आ गया, अच्छा है। रवि बिश्नोई भी शानदार कैच एक पड़ा है, और काल का बॉलिंग का बोले तो रवि बिश्नोई उतना अच्छा चला नहीं, ये होता है ना, 4 मैच में 1 मैच तो आपको अच्छा, ऐसे हर एक मैच में अच्छा होगा तो फिर हो गया ना, वो तो फिर खेला ही नहीं रहेगा। फिर देखा जाए तो ओवरऑल बहुत अच्छा गया। इधर से गौतम गंभीर भी अपना टीम इंडिया का हेड कोच एकदम ओपन कर गए। फिर इधर में जो बाकी टीम है, ऐसा पता चल रहा है श्रीलंका का जो टूर है इंडिया, उसमें भी विराट कोहली, रोहित शर्मा को रेस्ट दिया जाएगा, तो अच्छा है ना, ऐसे रोटेशन भी होना चाहिए, और जो न्यू कमर्स है उनको भी खेलने का मौका मिले, ऐसा ना न्यू कमर जो है वो बेंच में बैठते बैठते चले, जैसे पाकिस्तान का हुआ है। पाकिस्तान का टीम का ऐसा हालत हो गया, अरे भाई मत, इंडिया स्कोर 182/4 in 20 ओवर, जिम्बाब्वे का स्कोर जो दिखा 159/6 in 20 ओवर। पाकिस्तान का हालत ऐसा है, उनका बेंच स्ट्रेंथ जो है ना वो बेंच में ही रहता है, इनको खिलाता नहीं डर का मारे, और लोग सिलेक्ट भी ऐसे ही करके ले जाते हैं जिनको सिलेक्शन का क्राइटेरिया से कोई मतलब नहीं, ऐसे ही चल रहा है चलने दो। रवि बिश्नोई भी काफ़ी अच्छे शानदार कैचेस लिया है, बॉलिंग में उतना खास नहीं रहा 30-20 में, अभी आते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान का जो मोहसिन नकवी, उसने बोला था सर्जरी करेंगे, सर्जरी किया बाहर भी, जो वो जो एक बदमाश है गलत कमेंट करता है रजाक, उसको भी सेक कर दिया। फिर इधर से बाहर रियाज दूसरा जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस बोल के बोल रहा है मेरा ही गलती नहीं, सबका गलती है, ये सब रोना धोना इन लोग का, लड़ाई बड़ाई चलता ही रहेगा। फिर आ जाता है शाइनी शाह, आफरीदी का ऊपर बहुत सारा एलिगेशन लगा है, वो इनडिसिप्लिन है, लड़ाई झगड़ा करता है, वो करता है तो करता है, इसके चलते अभी शाहिद आफरीदी उसका जो ससुर है उसने भी मैदान में आ गया है, वो बोल रहा है बाबर को बहुत ये मिल गया, अमुक मिल गया, तमुक मिल गया उसका राजा, तो फटान से हटो ना भाई, आपस में बात करो, क्यों आके सारा दुनिया में ये सब बेचते रहते हो, ये सब चलता ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।